हेलो सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हमारी मीटिंग है और ब्लॉक स्तरीय सर्कल स्तरीय और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 8 दिसंबर को हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की हड़ताल चालू होती है और सरकार ने 29 तारीख ने कुछ फैसले दिए थे, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी वर्कर कार्यकर्ता हेल्पर उससे संतुष्ट नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, संघर्ष चलता रहा और बीच बीच में सरकार हमारे साथ बातचीत करती रही, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं दिया कि जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर उसे खुश हो जाए और हड़ताल वापस ले। तो इसलिए बीच बीच में कुछ कार्यकर्ता हड़ताल वापस ले गई थी, कुछ काम पर चली गई थी, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर 25-30 हज़ार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सही का तो हमारी 4 अप्रैल तक हड़ताल पर रही। और उसके बाद सरकार ने क्या किया कि झूठ बोलकर कि भाई हम तुम्हारे को काम पर भी देंगे, तुम काम पर लौट जाओ, तुम्हारी 100% पूरी सैलरी भी देंगे और सिलेंडर भी देंगे और तुम्हारा 1500-750 भी देंगे। लेकिन हमने सरकार की बात की सुनकर ना और काम पर चले गई और हड़ताल वापस ले, लेकिन सरकार ने झूठ बोलकर वादा खिलाफी करके हमारी बहनों का बहुत नुकसान किया। इसलिए दोबारा से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में हड़ताल का फैसला लेना पड़ गया और जो 4 तारीख है, 4 जुलाई है, जो घेराव करेंगे इसमें काफ़ी संख्या में है बहना में आक्रोश है इस रैली के लिए। और एक तरफ से तो सरकार हमारे ग्रुप को कोटा रही है, SSG ग्रुप को, और खाना बनवा रही है और दूसरी तरफ सिलेंडर नहीं दे रही और फिर खाना हम कैसे करें, अपने पल्ले से सिलेंडर भरवा रही, अपनी अल्परा पर हम खाना बनवा रहे हैं, जिसलिए काफ़ी इसमें काम करने में आंगनबाड़ी वर्करों ने दिक्कत आ रही है। और सरकार ने कहा था कि 4,000 किराया कर देंगे, आज तक ही सरकार उस पर भी खड़ी नहीं उतरी। इसलिए मैं इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपील करती हूँ कि हमारी जितनी बहनें टर्मिनेट है इनको जल्दी से जल्दी सरकार बहाल करे और ताकि ये अपने ईमानदारी के प्रति, चेष्टा के प्रति अपने सेंटर में जाएं और किसी भी हमारी बेनिफिशरी को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि इसमें जो बहनें टर्मिनेट हो रही हैं और बेनिफिशरी का काम नहीं हो रहा तो वहाँ भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए हमारे सिलेंडर का जल्द से जल्द ना करा जाए और हमारी बहनों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि इतनी गर्मी के मौके पर बार बार रोड़ा पर बैठने की वो न सोचा। और पहले हमारी 2-3 वर्कर बीमार भी चल रही हैं, 1-2 वर्कर की डेथ भी हो गई है, उसके बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा। इसलिए अगर समय तो इनको बहाल नहीं कराया तो ऐसा ना हो भी वर्करों ने ठोस कदम उठाना पड़ जाए और आक्रोश हो जाए, इसमें सरकार खुद जिम्मेदार होगी। मैं फिर पुनः अपील करती हूँ कि मेरी 48 बहनों को जो टर्मिनेट हुई है, जिन पर झूठे मुकदमे सरकार ने बना रखे, इन मुकदमा को ले, झूठा को वापिस ले और हमारी आंगनबाड़ी वर्करों की वो जो टर्मिनेट है उनको बहाल करे और सेंटरों का किराया टाइम पर दे, हमारी जो सैलरी है वो 7 तारीख तक दी जाए और जो सिलेंडर खाली नहीं भरवा रही वर्कर है पर अपने पल्ले से भरवा रही वह सिलेंडर भरवा कर दिया जाए। और हमारे SSG ग्रुप का भी खुद पैसा पड़ा था बकाया और हमारे को जल्द से दिलवाया जाए। धन्यवाद। राम राम।